हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको सदाम हुसैन की तरफ से मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस रिवीजन में ही डिवीजन है कि क्लास में सबसे पहले मैं आप सबको आपके सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला अर्थशास्त्र के क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। जस्ट उसके बाद आपको मैथ के क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक मस्त क्लासेस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मस्त क्लासेस चैनल्स के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे क्लिक करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और आप सब वीडियोज़ को देखते हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। पीछे जो रिवीजन में ही डिवीजन है क्लास हुआ था, उसमें बेस्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्सों के नाम इस प्रकार हैं। आप सब उनका नाम सुन लें: रुखसार खान, सलमा सुल्तान, हरिचंदर सोनी, भूमि सिंह, परवेज आलम, सब्बा गजाला नाजिश, मुशर्रफा बेगम, नीतीश यादव सीयू, और भी दीगर स्टूडेंट्स जिन्होंने रिवीजन में ही डिवीजन है के क्लास में बेस्ट प्रदर्शन किया है। इसी तरह से मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर बेस्ट सफलता मिलेगी, आप टॉपरों की लिस्ट में ज़रूर आएंगे, है ना। तो आप शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को संग्रह किया है, अतः आप वीडियोज़ को अंत तक देखें। अगर वीडियोज़ को अंत तक देखते हैं ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रिवीजन में ही डिवीजन की वीडियोज़ जो डेली शाम 7:30 बजे चलता था उसमें मैंने पढ़ा है, और आप उन सब क्वेश्चनों को सही सही कर पाएंगे, है ना। तो अब तक आप सब वीडियोज़ को अंत तक देखें, और आपके पास थोड़ा सा समय है इस वीडियोस को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दे ताकि आपके स्टूडेंट्स भी इस वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी कर ले और फ़ायदा उठा सके, और आप सब इस चैनल से अपने दोस्तों फ्रेंड्सों को जुड़ने में हम मदद करें, है ना। क्योंकि ये चैनल आपकी सपोर्ट से ही आज यहाँ तक पहुँचा है, इसके लिए मेरे तरफ से आप सबको बधाई है, आप सब बधाई के पात्र हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ। मैं आप सब क्वेश्चंस पढ़ के बताता हूँ, आप सब कमेंट में इसका जवाब बताएं, फिर मैं इसका जवाब बताऊँगा और आप सब मिला लीजिएगा कि मेरे कितने सही है, क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन है 25 नंबर, पीछे की वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन बताए थे इसलिए आज 25 से शुरू करता हूँ, बता रहा हूँ। लिखा है कि इनमें नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उपयुक्त सभी, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऊपरी सभी को शामिल किया गया है। हम एक क्वेश्चन में 3 करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीनों के बदले में हम डी सही लगाएंगे, यानी कि उपयुक्त सही, सभी सही है ना। आगे देखिए 26 क्वेश्चन लिखा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ये भी देखिए क्वेश्चंस जो है आपके 11 में, 14 में, 18 में क्वेश्चंस आ चुका है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैश्वीकरण के अंक पूछ रहा है, पहला 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में लिखा भी है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। वैश्वीकरण के मुख्य अंक जो है वो 4 है, 26 का करेक्ट आंसर डी सही है, क्लियर। डी आप लोग याद रखिएगा, जिन लोग को याद है बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे कमेंट्स, अच्छे जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, बताएं। ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, शेयर बाजार का संस्था नाम कौन सा है, इसमें ना किस किस नाम से जाना जाता है बताना है, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, शेयर बाजार नियामक संस्था जो है वो सेबी की है, किसकी, सेबी, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर बी सही है, सेबी, सेबी इज करेक्ट आंसर 27 का बी। आगे देखिए 28 क्वेश्चन से लिखा है, भारत में किस राज्य की
प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, कम बताना है ना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, कम पूछ रहा है, अधिक नहीं। पहला ऑप्शन है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है गोवा। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में किस राज्य की आय सर्वाधिक कम है, सबसे कम है? आइए प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर रहा है, आइए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है वह है बिहार की, बिहार के प्रति व्यक्ति आय 28 का ए सही है। यही सबसे अधिक आय पूछता तो वह गोवा हो जाता, क्लियर ना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2015 और 2016। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ, बताता हूँ। भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी सही है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है, 29 का करेक्ट आंसर सी सही है, सी को क्लिक कर लें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, योजना आयोग को भंग करने का कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। 30 का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए सही है, नीति आयोग को, योजना आयोग को भंग करने के लिए किसको बनाया, नीति आयोग। 30 का करेक्ट आंसर ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, वो बोले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 31 का करेक्ट आंसर ए सही है, क्लियर। आगे देखिए 32 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, बी है 1951 में, सी है 1952 में, डी है 19 में से कोई नहीं। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। आए देखिए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर सी सही है, 1952। 52 को टिक लगा ले, 52 करेक्ट है, जो स्टूडेंट 52 बता रहे हैं वो सही है उनका, ठीक है ना। आगे देखिए 33 क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितने राष्ट्रीयकृत, पहला 14, बी है 19, सी है 20, डी है 27। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वह 19 है। 33 का करेक्ट आंसर बी सही है, 19, क्लिक, ठीक है। बहुत सारे जो 19 स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनका सही जवाब आ रहा है, ठीक है, जिनका भी 19 है वो सही है। आगे देखिए, अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, है ना, लेसन 2 आपका आ गया, उसके क्वेश्चन को मैंने संग्रह किया, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पहला ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, बी है पतंजलि, सी है पार्ले, डी है कोका कोला। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था, कंपनी नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो पतंजलि नहीं है, इसलिए पहले का करेक्ट आंसर बी सही है, पतंजलि। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? पहला कोका कोला, बी है एलजी, सी है रिबॉक, डी है नोकिया। दूसरा का करेक्ट आंसर बताइए। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है, दूसरा के करेक्ट आंसर बताइए। आए मैं आप सबको दूसरे के करेक्ट आंसर से बताता हूँ। दूसरा का जो करेक्ट आंसर है वो ए सही है, कोका कोला। दूसरा का ए सही है, कोका कोला, क्लिक कर ले, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3, 4, 5 तीन क्वेश्चंस को देखिए। तीसरा क्वेश्चन है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन 14-18 में आ चुका है। बताइए आप सब तीसरे का करेक्ट आंसर क्या है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 3 का करेक्ट आंसर ए सही है, 1986 में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए 4 क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च,
और आगे है 22 ऊपर 12। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चार का। देखिए चार का जो करेक्ट आंसर है वो बी सही है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। आगे देखिए पांच क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, 100 या 1100, ऐसे देखिए नंबर दिया गया है ना, बताना है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। बताए पाँच का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पाँच का जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000। इसको याद रखिएगा 1811 4000। इसलिए पाँच का करेक्ट आंसर सी सही है। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छः क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की प्रसिद्धता के सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए। अभी क्वेश्चन 13, 16 और 18 में आया है। पहला है ISI, बी है हॉलमार्क, सी है एग मार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सही है। हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, 6 का बी सही है ना। देखिए सात क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ये क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में आया था ना, इसलिए कहते हैं कि देखिए रिविजन में ही डिविजन क्लास को ना छोड़िए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ देखिए 18 में आया, आपके सेंटर एग्जाम 2020 में आ गया, आगे भी आने की इसकी संभावना है। पहला है जिला फोरम, बी है राज्य आयोग, सी है राष्ट्रीय आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब पैसा 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो शिकायत जो है राज्य आयोग में करेगा। 7 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। आगे देखिए 8 क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी विनिमय पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। 8 का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 8 का जो करेक्ट आंसर है वैश्वीकरण का है। व्यापारिक पूंजी, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन 9, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। 2015 के एनुअल एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 50 रुपये, बी है 70 रुपये, सी है 10 रुपये, डी है इनमें से कोई नहीं। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आप सबको 9 के करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ, बताता हूँ। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है, पैसा शुल्क नहीं लगता है शिकायत का, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर। आगे देखिए 10 क्वेश्चन लिखा है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बताना है। 22,553, 25,494, 6,610 और डी है 54,850 रुपये। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी सही है। 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय है 2008 और 9 के अनुसार, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। आगे देखिए 11 क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी है ना, जब देश की आज़ादी नहीं मिली थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयुक्त दोनों। बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चंस है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए सही है, कृषि प्रधान। जिन लोगों का ए ऑप्शन है उनका सही है। आगे देखिए 12 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, बहुत बार परीक्षा में आता है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान और उपयुक्त तीनों। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फुट डालो और राज करो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 12 का, फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना वो अंग्रेजों ने अपनाई थी, किसने, अंग्रेजों ने। 12 का करेक्ट आंसर ए सही है, अंग्रेजों ने। 12 का ए सही है। क्लियर। आगे देखिए 13, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, बी है 3 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के, डी है 5 प्रकार के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 13 का करेक्ट आंसर बताएं, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। देखिए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। 13 का बी सही है ना। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था का दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, उपयुक्त ए और सी दोनों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 का बताइए, अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का। तो देखिए 14 का जो है ना सबसे करेक्ट आंसर दोहन किया और शोषण किया, इसलिए इसका ऑप्शन डी भी दे दिया है और सी दोनों सही है, इसलिए 14 का आप सब डी करेक्ट कर ले, 14 का डी सही है। क्लियर। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया और
डी ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त ए और बी दोनों, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। आज़ादी के बाद भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि था उसका योगदान धीरे धीरे घटता गया, है ना, क्या हुआ, घटता गया, इसलिए 15 का जो करेक्ट आंसर है इसी सही है। क्लियर। आगे देखिए 16 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 2011 में आया क्वेश्चन है ना। पहला है 1934 में, बी है 1935 में, सी है 1948 में, डी है 1951 में, बताया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना, और 16 का करेक्ट आंसर बी सही है, 1935 ईस्वी, कब हुई थी, 1935, 16 का बी सही है ना। आगे दो क्वेश्चन और है, 17 और 18, इसका जवाब दे दे, फिर उसके बाद मैं आप सबको मैथ से रूबरू कराऊंगा ना, आप सब कहीं जाए नहीं, क्योंकि मैथ के भी क्वेश्चन है अभी आपको इसी वीडियोज में दिखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुपद का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का ना। देखिए 17 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 2012 के एनुअल एग्जाम में आया था, 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में, बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। देखिए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो है 1904 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1904 ईस्वी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 17 का ए सही है। क्लियर। आगे देखिए 18 क्वेश्चंस, इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, सी है कोका कोला, डी है इनमें से सभी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, तो हम एक ही क्वेश्चन में तीन टिक नहीं लगा सकते हैं, अतः इन तीनों के बदले जो करेक्ट होगा डी सही है, इनमें से सभी, ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए सोशल साइंस के, उसमें कितने आपके सही है कमेंट में बताए। अब आपको मैं मैथ के क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ, ठीक है, ओके शुरू करते हैं। देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है नंबर 14 से शुरू करते हैं, बहुपद का ये सब क्वेश्चन है आपको बताना है। लिखा है ना क्वेश्चन में कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन देख सकते हैं, चार नज़र आ रहा है, रूट फाइव एक्स स्क्वायर, थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर, 1/4 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 1/√3 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1/x, और डी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट 5। आपको बताना है बहुपद नहीं है, तो मैंने आपको पीछे की वीडियोस में भी बताए हैं कि बहुपद की शर्त जो होती है वो घात जो है चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे ऊपर करते तो x के पावर माइनस आ जाता और इसका घात ऋणात्मक हो जाता, अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी सही है, 14 का सी सही है ना, वह ऋणात्मक है इसलिए बहुपद नहीं है। 15 क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, द्विघात, त्रिघात, रैखिक, और डी है बहुपद नहीं, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए आप सबको मैं इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात यानी जिसमें एक घात हो उसे रैखिक कहते हैं, पीछे इसकी वीडियोज में बता चुके हैं, जो लोग का ऑप्शन सी आ रहा है उनका करेक्ट है, 15 का सही सही है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से रूबरू कराता हूँ। 16 है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन 2/3x, बी है 2-x स्क्वायर, सी है 1/x माइनस, और डी है एक्स क्यू। तो देखिए मैंने बहुपद पहचानने के तरीका में बताया है कि चर का जो घात होना चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जब एक्स माइनस 1 को हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस आ जाता है, इसमें चर का भी पावर ऋणात्मक हो जाता है, तो इसीलिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो सी सही है, क्योंकि इसमें चर का घात ऋणात्मक हो जा रहा है। 14 का 16 का सी करेक्ट लगा लें, जिन स्टूडेंट्स का सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइए आगे मैं बढ़ता हूँ 17 क्वेश्चन, 17 में है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, पहला 1-1, बी है 2-1, सी है 2-3, और डी है -2-3, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको तो सोल्यूशन करना होगा, तो देखिए सोल्यूशन में शून्यक निकालेंगे तो 6x स्क्वायर हो रहा है, तो इसको गुणनखंड ऐसे तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -3x, 2 और 3 मिलकर 5x होगा, और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, +6=0, एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2=0, एक्स माइनस 2 डबल है, आप एक लिख सकते हैं ऐसे, और एक को लिख सकते हैं एक्स माइनस 3=0। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 2 मिलेगा और x का मान 3 मिलेगा, 2 और 3 मिलेंगे, तो 17 का जो ना करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका सी सही है, 17 का सी 2-3, ठीक है। जिन लोगों को नहीं बनाने आ रहा है वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी मस्त कराई जा रही है, मस्त क्लासेस में मस्त तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप सब जो स्टूडेंट डेली आते हैं उनको खुद पता होगा कि कैसी होती है तैयारी,
है ना, आपको एक ही वीडियोस में आपको मैथ साइंस सोशल साइंस सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चंस का मैंने संग्रह करके दिखाता हूँ। आगे देखिए 18 क्वेश्चन। फिर एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, शून्यक निकालना है। देखिए आपको किनारे किनारे गुना करेंगे, चार आ रहा है, चार में तोड़ना है, तो आप इसको ऐसे करते एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स अब प्लस एक्स लिखते ना, और माइनस फोर इक्वल टू शून्य, शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर। इन दोनों में x कॉमन होता, x आप कॉमन लेते तो x माइनस फोर बचता, और फिर प्लस वन कॉमन लेते तो x माइनस फोर बचता इक्वल टू शून्य। x माइनस फोर देखिए यहाँ डबल हो जाता, आप एक लिख लेते x माइनस फोर, जब इसको जीरो के बराबर करते तो मिलता चार। अब आपके 18 के बी ऑप्शन में है चार ना, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर बी सही है। क्लियर। आगे देखिए 19 क्वेश्चन। एक बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस टू है, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, पहला ऑप्शन माइनस टू, बी है टू, सी है जीरो, डी है पी इक्वल टू जीरो। गुणनखंड दिया है एक्स प्लस टू हो रहा है, तो शून्य पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। जब भी शून्य पूछे तो शून्य के बराबर कर देते, एक्स प्लस टू इक्वल टू शून्य कर लेंगे, जब प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा माइनस टू, तो उन्नीस का करेक्ट आंसर ऐसा ही है। क्लियर। आइए मैं फटाफट आगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस का संग्रह जो किया है वो आपको दिखाता हूँ, आप सभी फटाफट इसका आंसर देंगे। देखिए 20 क्वेश्चंस। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य चार है, तो पी एक्स निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज होगा, तो देखिए ऑप्शन है एक्स प्लस फोर, फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स डी एक्स माइनस फोर। तो आइए मैं इसका आंसर बताता हूँ। एक शून्य चार है यानी एक्स बराबर चार है, विभाज की बात कर रहा है तो प्लस चार है, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस फोर इक्वल टू शून्य हो जाएगा ना, x माइनस फोर इक्वल टू शून्य, यानी कि x माइनस फोर आ रहा है, x माइनस फोर किसी भी संख्या को कटा सकता है। तो आप देख सकते हैं 20 के ऑप्शन नंबर डी जो है x माइनस फोर है ना, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर डी सही है। इस तरह से इसका आंसर होगा। आइए आगे देखिए 21 क्वेश्चन। अल्फा बीटा बहुपद जो दिया है उसके शून्यक है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा, तो मैंने आपको इसका हरदम इसका सूत्र बताया कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बाई सी होता है ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी के जगह पर माइनस टू हो गया और सी के जगह पर 1 है, तो माइनस टू बाई 1 यानी कि माइनस टू, अतः 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका बी सही है, 21 का बी सही है, माइनस टू, इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर। आइए आगे देखिए 22 क्वेश्चन। 22 यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पाँच के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, पहला माइनस टू, बी है दो, सी है पाँच, डी है माइनस पाँच, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पर माइनस है और माइनस यहाँ भी है तो प्लस टू हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर क्या छुपा है, वन, तो टू बाई वन यानी कि टू, क्या आएगा टू, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी सही है, टू। क्लियर। आइए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। 23 लिखा है ना, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स जो है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस चार के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब इजी होते हैं, ये सब आपको परीक्षा में गलत नहीं करना होगा। पहला है माइनस चार, बी है माइनस तीन बाई दो, सी है माइनस दो, और डी है माइनस चार बाई तीन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो सी बाई ए, तो सी के जगह पर देखिए ए होता है, बी और सी, सी के जगह पर माइनस फोर है और ए के जगह पर टू, जब इसमें माइनस फोर बाई टू हो गया आप टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू, यानी अल्फा बीटा का जो मान होगा क्या होगा, माइनस टू। तो 23 का करेक्ट आंसर सी लगा ले, सी इज करेक्ट आंसर। जिनका स्टूडेंट का जवाब सी है वो करेक्ट है। आगे देखिए 24 क्वेश्चन। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे, ए के मान का गुणनफल 8 है तो इसको बताना है, तब इसके शून्यक है 24 का, है ना, ए का मान ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल बढ़िया से नहीं लिखा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 8 है, तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बराबर 8 लिख लेंगे, तो सी के जगह पर देखिए आपका ए है, ए है ना, तो ए लिख लिया, ए के जगह पर वन है, ए वटावंत 8, तो ए बराबर क्या मिल गया 8, यानी गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए ना 24 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी है, 1 और 8 पॉजिटिव में लाना है, इसलिए 1 और 8 होगा, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर आपका डी सही है। जिनका भी डी है वो करेक्ट है। आगे देखिए 25,
और एक क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा, 26 तक ही संग्रह किया है, लेकिन पहले 25 देख लीजिए। यदि बहुपद पी एक्स चार एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सेवन के शून्य अल्फा बीटा और गामा है, त्रिघात है तो तीन शून्य होंगे, तो अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है। माइनस सेवन बाई फोर, फाइव बाई फोर, सेवन बाई फोर और डी है माइनस थ्री बाई फोर। तो जिन स्टूडेंटों को सूत्र याद होगा वो करेक्ट मारेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का जो सूत्र होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। ए बी सी डी, डी के जगह पर सेवन है माइनस सेवन और ए के जगह पर फोर, तो माइनस सेवन बाई फोर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 25 के ए में लिखा है माइनस सेवन बाई फोर, 25 का करेक्ट आंसर ए सही है। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 26 से रूबरू कराते हैं। 26 देख लीजिए, 26 है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पाँच के शून्य है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा क्या होगा? पहला ऑप्शन 5, बी है माइनस एक बटा पाँच, माइनस पाँच है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, देखिए इसको आप सोल्यूशन कर लें, एलसीएम अल्फा बीटा होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बटा में अल्फा बीटा। क्लियर, तो यहाँ सूत्र रखेंगे माइनस बी बाई ए, तो बी का मान तीन है ए का वन, तो यहाँ पे तीन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, माइनस टू इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी बाई ए तो फाइव हो गया, नीचे भी सी फाइव, तीन का स्क्वायर नौ माइनस दस, नौ माइनस दस और नीचे में फाइव, दस में से नौ घटा लीजिएगा आप सब तो आ जाएगा माइनस वन और नीचे आ जाएगा फाइव, माइनस वन बाई फाइव। तो 26 का जो क्वेश्चन के सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है माइनस वन बाई फाइव, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। तो मैंने अभी अभी जो आप सबको मैथ के क्वेश्चंस कुछ बताए उसमें से आपके कितने करेक्ट हैं कमेंट में जवाब देंगे, और ये जो मैंने आपके सामने रिवीजन में ही डिवीजन है का वीडियोस डेली जो शाम 7:30 बजे लाता हूँ वो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताए। अगर दोस्तों आप सब वीडियोज़ को देखते हैं और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। और जाते जाते मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है तो अपने भाई के लिए इस वीडियोस को अपने दोस्तों फ्रेंड्सों मित्रों में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लें, अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लें और आगामी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके, है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब, यह एक जो है न्यू चैनल है जिस पे आप सब और भी स्टूडेंट्सों को जोड़ने में मदद करें, आप अगर जोड़ते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना दोस्तों। आप सब ज़रूर जोड़ें, और बस इतना ही आज के लिए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। मेरे तरफ से आप सबको गुड नाइट, गुड नाइट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट फॉर ऑल फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर एवरीवन।